पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के शोबे खवातीन की जानिब से मॉल रोड पर हड़ताली कैंप लगाया गया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदा हुरिया शब्बीर वहां पर मौजूद हैं। हुरिया, बताइएगा क्या मुतालबात हैं इन खवातीन के और क्या कहती हैं, कब तक हड़ताल जारी रखेंगी? मॉल रोड चेरिंग क्रॉस पर मौजूद और यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के शोबा खवातीन की जानिब से एक हड़ताली कैंप का ऐलान किया गया है। यहाँ पे जो हड़ताली कैंप लगाया गया है ये भूख हड़ताल कैंप है और यहाँ पे इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे पीछे सारी खवातीन यहाँ पे जमा हो चुकी है और उन्होंने हाथ में अपने झंडे उठाए हुए हैं। इस वक्त यहाँ पे खवातीन से चल के बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या यहाँ पे मुतालबात है और उनका क्या कहना है। अच्छा, मुझे बताइएगा आपके क्या मुतालबात है और क्या यहाँ पे पर्पस क्या है लगाने? हमारा मुतालबा है कि हमारी लीडरशिप पे फरियाल तालपुर साहबा और आसिफ अली जरदारी साहब पे जो नाजायज मुकदमात बनाए गए हैं उनको खत्म किया जाए और उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, चोरी को साबित किया जाए। महज आपने इल्जाम पे उन्हें उठाकर जेल में डाल दिया और हमारे कारकुनों को भी रिहा किया जाए जो हुकूमत ने पकड़े हैं नाजायज मुकदमात में। जब तक उनको रिहा नहीं किया जाता हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। अच्छा, आपका क्या कहना है कि कब तक जारी रखेंगे एहतजाज? जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम बैठेंगे। बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा कि इनका कहना था कि जब तक इनके लीडर जो है वो आसिफ अली जरदारी को रिहा नहीं किया जाएगा और इनका ये भी कहना था कि फरियाल तारपुर की गिरफ्तारी के खिलाफ भी यहाँ पे मुजम्मत की जा रही है और जब तक इनके मुतालबात नहीं माने जाते और इनको इंसाफ नहीं मिलता ये यहाँ से नहीं जाएंगे। जी।